Everyone, welcome to this lecture series on applied fluid mechanics. This is part 6 of lecture 3. I am Amitar Chauhan. Welcome you all. जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में देख लिया था कि फ्रॉड्स मॉडल लॉ क्या होता है और बेस्ड ऑन फ्रॉड्स मॉडल लॉ डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल रेशियो हमने देख लिए थे. नाउ बेस्ड ऑन फ्रॉड्स मॉडल लॉ हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं. इन 1 in 40 मॉडल ऑफ अ स्पिलवे द वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज आर, वेलोसिटी का वैल्यू है 2 meter per second, डिस्चार्ज का वैल्यू है 2.5 meter cube per second. हमें फाइंड आउट करना है द कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज इन द प्रोटोटाइप. मतलब हमें स्पिलवे के प्रोटोटाइप में कितनी वेलोसिटी होगी और डिस्चार्ज कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. स्पिलवे क्या है? एक वाटर रेगुलेटिंग डिवाइस है इन केस ऑफ डैम. जब मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल से वाटर इन केस ऑफ डैम जब ऊपर जाने लगता है और आपको पानी डिस्चार्ज करना है फ्रॉम योर अपस्ट्रीम साइड टू डाउनस्ट्रीम साइड, तो आप स्पिलवे को यूज़ करेंगे और स्पिलवे के थ्रू पानी डाउनस्ट्रीम साइड आप रिलीज़ कर सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन में दिया हमें 1 in 40 मॉडल ऑफ स्पिलवे, जिससे हमारा LR हो जाएगा, लेंथ स्केल रेशियो हो जाएगा 40, वेलोसिटी दिया है हमें 2 meter per second, डिस्चार्ज हमें दिया है 2.4 meter cube per second. ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि हमें वेलोसिटी पहले फाइंड आउट करना है इन केस ऑफ प्रोटोटाइप. तो हम वेलोसिटी स्केल रेशियो लेंगे. क्वेश्चन में ग्रेविटी फोर्स डोमिनेटिंग है, इसके लिए हम फ्रॉड्स मॉडल लॉ यूज़ करेंगे. तो बेस्ड ऑन फ्रॉड्स मॉडल लॉ वेलोसिटी का स्केल रेशियो क्या है? Vp/Vm विच इज़ इक्वल्स टू √LR. LR का वैल्यू है 40. हम क्या करेंगे, इक्वेशन को Vp के टर्म्स में ट्रांसलेट कर लेंगे. तो Vp इज़ इक्वल्स टू Vm इंटू √40. 40 है हमारा LR और Vm है हमारा 2, जिससे हमें मिलेगा वेलोसिटी इन केस ऑफ प्रोटोटाइप ऑफ अ स्पिलवे, वैल्यू मिलेगा हमें 12.65 meter per second. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इन द सेम वे स्केल रेशियो फॉर डिस्चार्ज हम यूज़ कर सकते हैं बिकॉज हमें नेक्स्ट थिंग डिस्चार्ज फाइंड आउट करनी है. तो Qp/Qm इज इक्वल्स टू LR/2.5. स्केल रेशियो है फ्रॉड्स मॉडल लॉ का. LR का वैल्यू है 40. इक्वेशन को हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया, Qp इज इक्वल्स टू Qm इंटू 40/2.5. Qm का वैल्यू है 2.5. हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2.5 × 40/2.5, जिससे हमें डिस्चार्ज इन केस ऑफ प्रोटोटाइप कितना मिल रहा है, 2.5298.2 meter cube per second. इन द सेम वे हम एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं. अ शिप मॉडल ऑफ स्केल 1/50, मतलब LR का वैल्यू दिया है आपको 50, इज स्टोर्ड थ्रू सी वाटर एट अ स्पीड ऑफ 1 meter per second. वेलोसिटी दिया हमें 1 meter per second. मॉडल किस चीज़ का है? शिप का है. टोड थ्रू सी, इसका मतलब कि सी में उसे खींचने के लिए कितना पावर चाहिए. ठीक है, तो फोर्स दिया हमें, अ फोर्स ऑफ 2 newton इज़ रिक्वायर्ड टू टो द मॉडल. मॉडल को खींचने के लिए कितना फोर्स चाहिए? द फोर्स चाहिए हमें 2 newton का. डिटरमाइन द स्पीड ऑफ शिप एंड द प्रोपल्सिव फोर्स ऑन द शिप इफ प्रोटोटाइप इज सब्जेक्टेड टू वेव रेजिस्टेंस ओनली. अब क्वेश्चन क्या है कि हमें स्पीड ऑफ शिप फाइंड आउट करना है Vp, और हमें प्रोपल्सिव फोर्स फाइंड आउट करना है फॉर शिप इन केस ऑफ प्रोटोटाइप विच इज़ योर Fp. एज प्रोटोटाइप इज सब्जेक्टेड टू वेव रेजिस्टेंस ओनली फॉर डायनामिक सिमिलैरिटी, द फ्रॉड्स नंबर शुड बी सेम फॉर मॉडल एंड प्रोटोटाइप. अब क्वेश्चन में हमें दिया है इफ प्रोटोटाइप इज सब्जेक्टेड टू वेव रेजिस्टेंस ओनली, मतलब जो हमारा प्रोटोटाइप होगा वो खाली वेव रेजिस्टेंस फील करेगा. यहाँ पे भी ग्रेविटी फोर्स डोमिनेटिंग है, आपको फ्रॉड्स मॉडल लॉ यूज़ करना पड़ेगा. तो फर्स्ट थिंग हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है इन केस ऑफ प्रोटोटाइप. तो हम वेलोसिटी स्केल रेशियो यूज़ करेंगे. स्केल रेशियो क्या है हमारा? Vp/Vm इज इक्वल्स टू √LR. Vp फाइंड आउट करना है हमें. इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, Vp इज इक्वल्स टू √LR/Vm. LR की वैल्यू है 50, Vm की वैल्यू है 1, जिससे हमें मिल जाएगा Vp इज इक्वल्स टू 7.071 meter per second. क्वेश्चन बहुत इजी है अगर हम थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन किस वे में पूछा गया है, तो हमें सॉल्व करना इजी लगेगा. अदरवाइज डायमेंशन एनालिसिस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और वो आपको इजी बनाना है. ठीक है, और मेरा काम वही है कि आपको इजी फील हो.
सेकेंड थिंग हमें फाइंड आउट करना है फोर्स, तो हम फोर्स स्केल रेशियो यूज़ कर लेंगे, एफ आर इज इक्वल्स टू एफ पी अपॉन एफ एम विच इज़ इक्वल्स टू एल आर एस टू थ्री। एफ पी का वैल्यू हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया इक्वेशन को, सॉरी इन टर्म्स ऑफ एफ पी, ठीक है, हमने इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया इन केस ऑफ एफ पी बिकॉज हमें एफ पी फाइंड आउट करना है जो है फोर्स इन केस ऑफ प्रोटोटाइप। तो एफ पी इज इक्वल्स टू एफ एम इन टू एल आर एस टू थ्री, एफ एम का वैल्यू है टू, एल आर का वैल्यू है 50, तो टू इन टू 50 रेस टू थ्री हो जाएगा, जिससे हमें मिलेगा वैल्यू कितना मिलेगा, फोर्स इन केस ऑफ प्रोटोटाइप इक्वल्स टू 250,000 न्यूटन, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पिलवे टू बी स्टडीड बाय मीन्स ऑफ अ ज्योमेट्रिकली सिमिलर मॉडल कंस्ट्रक्टेड टू द स्केल रेशियो ऑफ 1:10। मतलब हमें एल आर का वैल्यू दे दिया है विच इज़ योर 10। अब क्वेश्चन को डिवाइड किया इंटू फोर पार्ट्स, मतलब चार चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट थिंग क्या देख लेते हैं, इफ़ द मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लो इन द प्रोटोटाइप इज 28.3 क्यूमेक्स, डिस्चार्ज इन केस ऑफ प्रोटोटाइप दे दिया हमें 28.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, या उसे क्यूमैक्स भी बोल सकते हैं। वॉट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो इन मॉडल, मतलब इन केस ऑफ मॉडल हमें डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है, क्यू एम का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सेकेंड थिंग क्या है, इफ़ द मेजर्ड वेलोसिटी इन द मॉडल एट अ पॉइंट ऑन द स्पिलवे इज 2.4 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी इन केस ऑफ मॉडल दे दिया हमें 2.4 मीटर पर सेकेंड, हमें फाइंड आउट करना है इन केस ऑफ प्रोटोटाइप वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ़ द हाइड्रोलिक जंप एट द फुट ऑफ द मॉडल इज 50 mm हाई, वॉट विल बी द हाइट ऑफ जंप इन केस ऑफ प्रोटोटाइप। हमें हाइड्रोलिक जंप इन केस ऑफ मॉडल दिया 50 mm हाई, इन केस ऑफ प्रोटोटाइप हाइड्रोलिक जंप कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ़ द एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड, एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड इन द मॉडल इज 3.5 न्यूटन मीटर, एनर्जी डिसिपेटेड इन केस ऑफ मॉडल दिया हमें 3.5 न्यूटन मीटर, और एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड इन केस ऑफ प्रोटोटाइप हमें फाइंड आउट करना है। ये न्यूमेरिकल सेम है स्पिलवे के बेसिस पे, मैंने आपको ऑलरेडी ये लेक्चर में बताया कि स्पिलवे क्या होता है। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे डाउनस्ट्रीम साइड पे स्पिलवे एंड होता है, तो एट द एंड ऑफ स्पिलवे बकेट्स प्रोवाइड किए रहते हैं, और वो बकेट्स के थ्रू क्या होता है कि जो पानी रिलीज हो रहा है टूवर्ड्स डाउनस्ट्रीम साइड, वो बकेट्स के थ्रू हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होती है, और हाइड्रोलिक जंप के थ्रू क्या होता है, एनर्जी डिसिपेशन होता है। तो इन केस ऑफ मॉडल एनर्जी डिसिपेशन हमें दिया है 3.5 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, हमें फाइंड आउट करना है इन केस ऑफ प्रोटोटाइप। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स फाइंड आउट करने दिए हमें, ठीक है। एल आर हमें दिया है 10, 1:10 मॉडल है इसके लिए, डिस्चार्ज दिया हमें इन केस ऑफ प्रोटोटाइप 28.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्यू एम हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पर भी ग्रेविटी फोर्स डोमिनेटिंग है तो हम फ्रॉड्स मॉडल लॉ यूज़ करेंगे, तो बेस्ड ऑन फ्रॉड्स मॉडल लॉ हमारा डिस्चार्ज का स्केल रेशियो है क्यू पी अपॉन क्यू एम इक्वल्स टू एल आर एस टू 2.5। हमने क्या किया, हमें क्यू एम फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन को क्यू एम में ट्रांसफॉर्म कर लिया, क्यू पी अपॉन एल आर एस टू 2.5, क्यू पी का वैल्यू है 28.3, एल आर का वैल्यू है 10, तो 10:2.5 हो गया, जिससे हमें मिल गया डिस्चार्ज इन केस ऑफ मॉडल इक्वल्स टू 0.0895 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इन द सेम वे सेकेंड टर्म क्या है हमारा, वेलोसिटी इन केस ऑफ मॉडल 2.4 मीटर पर सेकेंड दिया हमें, और हमें वीपी फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी का स्केल रेशियो यूज़ करेंगे इन केस ऑफ फ्रॉड्स मॉडल लॉ। तो वीपी अपॉन वीएम क्या हो गया, अंडर रूट एल आर हो गया, एल आर का वैल्यू 10 है, हमने इक्वेशन को वी पी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया बिकॉज हमें वी पी फाइंड आउट करना है। तो वी पी इज़ इक्वल्स टू वी एम इन टू अंडर रूट एल आर, वी एम का वैल्यू है 2.4, एल आर का वैल्यू है 10, अंडर रूट 10 हो गया, जिससे हमें मिल गया वेलोसिटी इन केस ऑफ प्रोटोटाइप विच इज़ इक्वल्स टू 7.589 मीटर पर सेकेंड।
थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, हमें हाइड्रोलिक जंप फाइंड आउट करना है। तो हाइड्रोलिक जंप इन केस ऑफ मॉडल HM हमें दिया हुआ है 50 mm दिया है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है इन केस ऑफ प्रोटोटाइप HP हमें फाइंड आउट करना है। स्केल रेशियो ले लिया हमने लीनियर डायमेंशन का, HP अपॉन HM, HP इज इक्वल्स टू HM इंटू स्केल रेशियो, स्केल रेशियो कितना है हमारा 10 और HM कितना है 50, तो HP इज इक्वल्स टू 50 इंटू 10 हमें मिल गया जो जो है हमारा 500 mm। मतलब इन केस ऑफ प्रोटोटाइप हाइड्रोलिक जंप अगर होगा तो वो बेस्ड ऑन मॉडल कितना होगा, 500 mm। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके लिए बिकॉज हमने एक मॉडल क्रिएट किया स्पिलवे का, और हमने रियल वर्ल्ड के स्पिलवे में कितना एनर्जी डिसिपेशन होगा या कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिक जंप होगा या वेलोसिटी कितना होगा वो हमने फाइंड आउट किया है। और एक स्पिलवे बहुत मेगा स्ट्रक्चर होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि डायमेंशन एनालिसिस को कैसे यूज़ किया जा रहा है, मॉडल लॉ को कैसे यूज़ किया जा रहा है इन केस ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा एनर्जी डिसिपेटेड इन केस ऑफ मॉडल, हमें दिया गया है 3.5 Nm/s, EM का वैल्यू हमें दिया गया, हमें फाइंड आउट करना है EP, एनर्जी डिसिपेटेड इन केस ऑफ प्रोटोटाइप। एनर्जी का हमने स्केल रेशियो ले लिया EP अपॉन EM इज इक्वल्स टू LRS2 3.5, हमें EP फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या किया EP को एज अ मेन इक्वेशन लेके EP इज इक्वल्स टू EM इंटू LRS2 3.5, EM का वैल्यू हमें दिया है 3.5, LR का वैल्यू है 10 10 रेस टू 3.5, तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया कि EP दैट इज़ योर एनर्जी डिसिपेटेड इन केस ऑफ प्रोटोटाइप इक्वल्स टू 3.5 इंटू 10 रेस टू 3.5, जिससे हमें EP का वैल्यू कितना मिल रहा है 11067.9 Nm/s। ठीक है, एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड है ये। तो न्यूमेरिकल में हमने देख लिया कि फ्रॉड्स मॉडल लॉ को कैसे यूज़ करना है, अगर ग्रेविटी फोर्स डोमिनेंट हो तो हम फ्रॉड्स मॉडल लॉ यूज़ करेंगे, अगर विस्कस फोर्स डोमिनेंट है तो हम रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ यूज़ करेंगे, अगर प्रेशर फोर्स डोमिनेंट है तो हम यूलर्स मॉडल लॉ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन स्केल रेशियो हम ईजिली सारे वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्टी नहीं है, बस हमें यह ध्यान रखना है कि स्केल रेशियो का वैल्यू कितना है। ठीक है, थैंक यू।